बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। कुछ दिन पहले रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन यूज करने का ऑप्शन है। यूक्रेन के अंदर हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि वार्निंग दिया पुतिन ने यूक्रेन को और यूरोप को, अमेरिका को। अब इस स्टेटमेंट ने, इस बयान ने न सिर्फ रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर या यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, बल्कि पूरे दुनिया में इस स्टेटमेंट ने जो है एक खौफ का लहर भेज दिया है। और हजारों लोग जो हैं रशिया से भी नकल मकानी कर रहे हैं, कहीं और जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि जो पुतिन का स्टेटमेंट है ये कि हमारे पास ऑप्शन है न्यूक्लियर वेपन्स का। इफ पुतिन यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स, या है इफ, अगर, अब यूज करेगा या नहीं करेगा वह अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा ताल्लुक है, एज फार एज आई एम कंसर्न, बहुत मुश्किल है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना। यानी कि आप हजार बार सोचेंगे। बहरहाल यहां पर सवाल क्या है कि इफ पुतिन यूजेस न्यूक्लियर वेपन्स, अगर पुतिन ने अपने एटॉमिक हथियार, वेपन्स यूज किए हैं, फिर क्या होगा? बात यह है, फिर क्या होगा? यह सवाल विल यूएस, यानी कि अमेरिका एंड नेटो रेस्पॉन्स, क्या अमेरिका और नेटो डिफेंड करेंगे? क्या अमेरिका और नेटो सपोर्ट करेंगे यूक्रेन को? क्या अमेरिका या नेटो जवाब देंगे रशिया को? और ये अमेरिका ने कहा, खुद जो बाइडेन ने कहा, क्या कहा जो बाइडेन ने? द अटैक, रशियन न्यूक्लियर अटैक ऑन यूक्रेन विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन नेटो, ये अमेरिका ने कहा है। और उसके बाद इसने कहा कि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत जो हैं हम डिफेंड करेंगे यूक्रेन को। लेकिन एक बात याद कीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका इस जंग में नहीं आएगा। और अगर आप तारीख उठाएं, वर्ल्ड वार वन के बाद जो अमेरिका काफी एक्टिव हुआ, पहले वो था इन आइसोलेशन, वर्ल्ड वार टू के बाद एक पावरफुल कंट्री के तौर पर अमेरिका सामने आया दुनिया के अंदर। द वर्ल्ड वाज इन फैक्ट बायपोलर, सोवियत यूनियन और अमेरिका आए। लेकिन अमेरिका ने डायरेक्टली कोई हमला नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया, कोई जंग नहीं किया सोवियत के ऊपर। इनफैक्ट सोवियत यूनियन ने जाकर क्यूबन, जो 1960 में हुआ था अक्टूबर महीने में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, सोवियत यूनियन, रशिया ने जाकर वेपन्स मिसाइल रखे थे कहां पर? क्यूबा के अंदर। और क्यूबा काफी क्लोज है अमेरिका को, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। कहीं पर खतरा था दुनिया के अंदर, एक थ्रेट था, कहीं जंग ना लग जाए, दो पावरफुल कंट्रीज हैं, दो एटॉमिक पावर कंट्रीज हैं, कुछ हो जाए। लेकिन फिर भी उस वक्त था जॉन एफ कैनेडी, तो डिप्लोमेटिकली इस इशू को हल किया गया। और अमेरिका ने प्रॉक्सी वार किए हैं अफगानिस्तान के अंदर और कुछ कंट्रीज में, या जो स्मॉल कंट्रीज हैं, कमजोर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया अमेरिका ने, इराक के ऊपर हमला किया, शाम, लिबिया के ऊपर हमला किया,
लेकिन जो पावरफुल कंट्रीज हैं, चाइना को आप देख लें, रशिया को आप देख लें, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन अभी तक अमेरिका ने नहीं लिया। इसका जिंदा मिसाल यह है कि पहले जब रूस ने हमला नहीं किया था यूक्रेन के ऊपर, तो अमेरिका ने क्या कहा था कि इफ रशिया अटैक्स इट विल फेस अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस। क्या हुआ, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया अमेरिका ने या यूरोपियन कंट्रीज ने। और ये मैंने पहले भी कहा वीडियो के अंदर, अगर चीन ने कुछ मदाखलत किया ताइवान के अंदर, तो फिर भी अमेरिका बीच में कभी नहीं आएगा। याद कीजिएगा, ये अमेरिका साइकोलॉजिकली तौर पर डोमिनेंट होना चाहता है। तो अमेरिका यहां पर भी कोई कुछ स्टेप नहीं लेगा अगेंस्ट रशिया, क्योंकि 2013 का वाक्या है और यह वाक्या फिर दो दिन पहले दोबारा फेमस हो गया, यानी कि गर्मा गर्म हो गया। एडवर्ड स्नोडन एक अमेरिकन शहरी है, एक अमेरिकन पहले काम कर रहा था, एजेंट था CIA का, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स है वो, बहुत यंग एडवर्ड स्नोडन। 2013 में ही फ्लीड फ्रॉम द USA केम टू हांगकांग, और कुछ दिनों के बाद जल्दी हांगकांग से निकल गया रशिया, मास्को गया, और अभी तक रशिया में है। इसको 10-11 साल हो गए हैं। अब उसने शादी की रूस के अंदर, और दो दिन पहले उसको रूस ने दे दिया अपना सिटीजनशिप, वो रशियन हो गया। और अमेरिका के अंदर उसके ऊपर इतने चार्जेस हैं, सजाए मौत उसको सुनाया गया वहां पर, और अमेरिका ने बार बार थ्रेट्स भी किए रूस को कि स्नोडन मुझे वापस किया जाए, लेकिन कोई भी नहीं सुना रूस ने अमेरिका का। इतना बड़ा एक हाई प्रोफाइल शख्स, मैन एजेंट, थिंक टैंक जो है अमेरिका का, थिंक टैंक का एक बड़ा एक्टिव मेंबर है वो, CIA का बड़ा एक्टिव मेंबर है वो रूस में है अभी, और उसने बहुत सारे डिस्क्लोजर्स किए हैं, इंशाफात किए हैं रूस के साथ कि अमेरिका में एजेंसियां किस तरह काम करते हैं, उनकी जो थिंक टैंक्स हैं वो किस तरह सोचते हैं वहां पर, उनकी पॉलिसीज वगैरह क्या हैं इस हवाले से। उसके बाद 2014 में जो रूस ने कब्जा किया यूक्रेन के ऊपर, तो क्या किया वहां पर अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्री ने, सिर्फ और सिर्फ जो है रशिया को G8 से बाहर किया गया, नाउ इट्स कॉल्ड G7। और क्या कुछ किया, कुछ नहीं किया गया वहां पर भी। और अभी भी कुछ सेंक्शंस इंपोज किए गए रूस के ऊपर, और जो सेंक्शंस इंपोज किए गए हैं दे डू नॉट डैमेज, कुछ नहीं किया उन पाबंदियों ने रूस को। अलबत्ता जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिस तरह बाल्टिक स्टेट्स हैं, यहां पर पोलैंड है, सेंट्रल यूरोप है, तो उनको भी जो है जो गैस का सप्लाई था उसको बंद किया गया, तो वो बहुत परेशान है अभी कि कब ये मसला खत्म हो जाएगा वार वाला, तो दोबारा हम कब रूस से जो है वो गैस लेंगे। तो इस तरह का, तो अमेरिका भाई ये साइकोलॉजिकली तौर पर प्रेशराइज कर रहा है जो है रूस को, वरना कभी भी बीच में अमेरिका नहीं आएगा। अमेरिका इतना जो है ना, वो उनकी जो थिंक टैंक है, जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बड़े चालाक हैं, बड़े क्लेवर हैं, वो पावरफुल कंट्री के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, उसको धमकाएंगे, प्रेशराइज करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे उनके खिलाफ। ठीक हो गया, तो यहां पर भी अमेरिका बीच में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, और आगे चलते हैं। विल इट कॉज द वर्ल्ड वॉर 3? जो रूस ने कहा, प्यूटिन ने कहा कि हम वहां पर, हमारे पास ऑप्शन है न्यूक्लियर वेपन का, मैंने कहा ना इफ, यहां पर बात है इफ प्यूटिन यूजेस, अगर यूज किए तो। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं कि 90% चांसेस हैं कि प्यूटिन विल नॉट यूज, ही विल नॉट गो थ्रू विथ हिज न्यूक्लियर वेपन्स, इनको यूज नहीं करेगा। लेकिन अगर बात क्या है, ये वाली बात ना, इफ, ये चीज परेशान ये कर रहा है आप लोगों को और हमें। इफ मैंने कहा, अगर तगर मगर, अगर यूं कुछ हुआ तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने कहा प्यूटिन ने यूज किए भी हैं, विल इट कॉज द वर्ल्ड वार 3, क्या फिर ये वर्ल्ड वार 3 कॉज करेगा, यस आर नो बताएं कमेंट के अंदर। जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका ने ड्रॉप किए थे एटॉमिक बम, थे वो बम थे जापान के ऊपर, वो एटॉमिक बम थे, एक फाइटर जंगी जहाज के जरिए उनको मरियाना जो आइलैंड्स हैं
पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका के, वहां से लिया गया उनको, सीधा ड्रॉप किए गए, एटॉमिक वेपन्स बम को ड्रॉप किया गया। लेकिन आजकल आपकी जो टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं, वो एडवांस हो चुके हैं, अभी आपको जाकर वहां ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मिसाइल के जरिए यहां से आप फायर कर सकते हैं। और जब एटॉमिक जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो क्यों खतरनाक है, क्यों वहां से ज्यादा नुकसान होने का खतरा है, खौफ है, बिकॉज इट रिलीजेस यू नो लॉट ऑफ एनर्जी, इतना एनर्जी, इतना हीट वहां से रिलीज होता है तो सब कुछ वहां पर जलकर राख हो जाएगा। तो भाई जो आजकल के वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास उनकी इतनी सलाहियत है, एबिलिटी है, आप ये समझ लें अगर रूस ने वहां पर कुछ यूज किए हैं वेपन्स, तो याद कीजिएगा न सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि रूस के अंदर भी इसके असरात पड़ेंगे। और जो सराउंडिंग और कंट्रीज हैं, बेलारूस है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, जॉर्जिया है, तो वहां भी ब्लैक सी के ऊपर भी जो एक्वेटिक लाइफ है, मैराइन लाइफ है, तो बहुत कुछ वहां पर डैमेज हो सकता है और ये थर्ड वर्ल्ड वार कॉज कर सकता है। और याद कीजिएगा आजकल दुनिया के पास कितने वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़कर उनके अलावा भी जो और मिसाइल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, फाइटर्स हैं, बहुत ज्यादा। तो अगर ये कहीं पर जंग हो गया ना, तो इसके असरात न सिर्फ रूस यूक्रेन पर होंगे, न सिर्फ यूरोप पर होंगे, बल्कि पूरे एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर और अमेरिका में भी होंगे, और मेरे ख्याल में ये दुनिया को बहुत तबाह कर देगा। तो बहरहाल ये जो प्यूटिन का, अब प्यूटिन कोई आम आदमी थोड़ी है, कोई ऐसा खसीस एक शख्स या एमएनए एमपीए, एक वजीर नहीं, एक प्रेसिडेंट, और किसका सदर, पाकिस्तान का भी नहीं, रशिया का प्रेसिडेंट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज रशिया, द वर्ल्ड इज नाउ मल्टीपोलर। जितना अमेरिका ताकतवर है, जब सोवियत डिसॉल्व हुआ 91 में, तो काफी मतलब एक ही पावरफुल कंट्री बन गया, दैट वाज द यूएसए, यानी कि द वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर देन। लेकिन आजकल 2010-12 के बाद मैंने देखा है कि जिस तरह चाइना ने स्टेप्स लिए हैं या जो रूस ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो यहां पर हैरान कर दिया चीन ने और रूस ने, मगर जो है यूरोप को और अमेरिका को। तो देयरफॉर आई से द वर्ल्ड इज नाउ मल्टीपोलर, जितना ताकतवर रूस है, चाइना है, अमेरिका तो वैसे ही ताकतवर है ही है, तो ये बहुत जो है इसके असरात पड़ेंगे। तो प्यूटिन, मैंने कहा प्यूटिन एक बहुत ही पावरफुल शख्स है, बहुत ही स्ट्रांग शख्स है, जो इसने कहा तो इट मीन्स समथिंग, इसका कुछ मतलब हो सकता है। बहरहाल हमारी दुआ, हमारी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह कोई इस तरह माहौल पैदा ना हो, कोई इस तरह न्यूक्लियर वेपन्स वहां पे यूज ना किए जाए तो बेहतर है। और जो ये जंग चल रहा है रूस और यूक्रेन का, अगर जल्दी खत्म हो जाए तो बेहतर है। यूनाइटेड नेशंस को, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, सिविलाइज कंट्रीज को यहाँ पर डिप्लोमेटिकली एक बड़ा रोल प्ले करना चाहिए टू एड्रेस दिस ग्रेव सिचुएशन, दिस थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, इसको लाजमी खत्म करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टेबलिस्ट, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।